सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के परिचय समारोह का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विशिष्ट अतिथि जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार श्रीवास्तव CGM KK सिंह के अलावा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाही, मंत्री अजय कुमार शुक्ल, नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, अंजू चौधरी, पूर्व MLC विनोद पांडे, पूर्व अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी सहित नव निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारी और न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया, तत्पश्चात स्वागत गीत की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिया। अपने संबोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका होती है, साथ ही पीड़ित व्यक्ति की अंतिम आशा की किरण अधिवक्ता होता है। अधिवक्ता पर पीड़ित का काफी भरोसा होता है और विश्वास ही अधिवक्ता पेशे की नींव होती है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज को नई दिशा देने में, न्याय दिलाने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता है। उन्होंने नई कार्यकारिणी को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हित के लिए तथा उनके सहयोग के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करेगी। अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि बढ़ाने की दिशा में कार्य अंतिम चरण पर है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समुदाय के बैठने तथा दीवानी कचहरी के अंदर सड़कों का निर्माण, शौचालय, पार्किंग, उचित प्रसाधन आदि की व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार करें। सरकार अधिवक्ताओं के आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गोरखपुर जनपद विकास की ओर अग्रसर है। विकास की हर योजनाओं को गोरखपुर में लाने का कार्य किया जा रहा है और केवल गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में विकास का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों के संबंध में बताते हुए कहा कि अधिवक्ता पीड़ित व्यक्ति को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएं, जिससे उन्हें लाभ मिल सके। समारोह को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि दीवानी न्यायालय को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए उनका प्रयास जारी है और सरकार के सहयोग से उसे और बेहतर बनाया जाएगा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप खड़े होकर आदरणीय हरप्रकाश मिश्र जी, आदरणीय मधुसूदन त्रिपाठी जी, आदरणीय यशपाल सिंह जी, उन माननीय मुख्य अतिथि जी को मंचासीन करावे। आदरणीय हरप्रकाश मिश्र जी, आदरणीय यशपाल जी, आदरणीय मधुसूदन त्रिपाठी जी से विनम्र आग्रह है कि हमारे मुख्य अतिथि, आप सभी अधिवक्ता बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि आप कर्तव्य ढंग से इनका स्वागत करें। हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी कर्तव्य ढंग से स्वागत करें। अधिवक्ताओं के संरक्षक इस प्रदेश हमारे बीच हो चुका है। हम सर्वप्रथम कार्यकारिणी के पदग्रहण में जो उपस्थित होने का सौभाग्य आपने प्रदान किया है और हम अधिवक्ताओं से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इसी क्रम में मैं आदरणीय अपने अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं, अतिथि को लेकर के, विशिष्ट अतिथि को लेकर के दीप प्रज्वलन का काम पूरा करा करके आप इसका आदरणीय अध्यक्ष जी रखे पुष्प गुच्छ के साथ माननीय अध्यक्ष जी थोड़ा सा पूर्व अध्यक्षगण उपस्थित है, उन सभी से आदरणीय राधेश्याम पांडे जी, राकेश दुबे जी, आदरणीय कृष्ण बिहारी दुबे जी, आदरणीय पद्माकर दत्त तिवारी जी, आदरणीय श्री अमन पांडे जी अतिथि का अभिनंदन करें।
इसी क्रम में आदरणीय ब्रज बिहारी लाल श्रीवास्तव जी, जैनुल अब्दीन साहब, आदरणीय अशोक शुक्ल जी से आग्रह है कि वो इसी क्रम में समस्त महिला अधिवक्ताओं के तरफ से सुश्री अंकिता शर्मा जी महाराज जी को पुष्प गुच्छ दे करके महिला अधिवक्ताओं के तरफ से अभिनंदन करेंगी। इसी क्रम में पूर्व मंत्रीगण हमारे उपस्थित हैं, जी श्री जितेंद्र दुबे जी का फूल दे करके सम्मानित करें। अब हम अपने सम्मानित करेंगे वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, घनश्याम त्रिपाठी जी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष धनंजय कुमार त्रिपाठी जी, कोषाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र जी, संयुक्त मंत्री प्रशासन आशुतोष कुमार मिश्र जी, थोड़ा सा किनारे हो जाइए किनारे। शपथ ग्रहण करा लें। मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए स्वागत भाषी है। आपके द्वारा मुख्यमंत्री आप हैं, प्रदेश के कर्ता धर्ता आप हैं, आपसे अगर हम लोग रोना नहीं रोएंगे तो किससे रोएंगे? आप उनके पेंशन की मांग बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन ये सरकार आई गई सरकार कुछ नहीं सुनती है। लेकिन आप चूंकि गोरखपुर के हैं और आप इस कार्य को अगर करेंगे हमारे ही पैसे से, हम आपको पैसे नहीं मांगते हैं, हमारे ही पैसा से अगर इसका आप इंतजाम कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों हमारे जो जूनियर अधिवक्ता है जिनका एक वर्ष से पांच वर्ष की प्रैक्टिस है, जो कपड़े धोने के लिए नहीं मिलता है, उनको अगर स्टाइपेंड मिल जाए तो बड़ी बात होगी। हम अधिवक्ताओं का पेंशन जो ये बीमा है वो 5 लाख से अगर 10 लाख हो जाए ये भी बड़ी बात है। इन सारी बातों का मैं एक बार और आपका पुनः धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद।
बड़े परिश्रम से जीत के आए हैं आदरणीय अध्यक्ष महाराज जी। महाराज जी इनका भी शपथ ग्रहण दे दीजिए। इसलिए 24-25 वर्षों से सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन से हम लोगों का बहुत निकटता संबंध है। एक आत्मीयता है और इसलिए जब भी सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के स्तर पर गोरखपुर में किसी कार्यक्रम को आयोजित करने की बात होती है तो मुझे स्वयं उसमें एक अपनत्व तो नजर आता है और आज मुझे आप सबके बीच में आकर के अपनी इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करके आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की इस नवनिर्वाचित कमेटी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में अधिवक्ताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज का एक ऐसा तबका जो हर जगह से थक जाता है, हार जाता है, अपनों से निराश हो जाता है, उसे न्याय प्राप्त हो सके अंतिम आशा की अधिवक्ता जहां उसे हस्ताक्षर करा ले, वकालतनामा में कराए कहीं और कराए, लेकिन वो बेशक उस पर हस्ताक्षर करता है। यानी विश्वास का अटूट संबंध इस पेशे की नींव है और उस पेशे को आप सब ने उस संपर्क को, उस संवाद को, उस संबंध को उसी पवित्रता के साथ बनाया हुआ है। इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि आज से ही नहीं बल्कि आजादी के पूर्व से भी इस देश के अंदर अधिवक्ताओं की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। समाज को एक नई दिशा देना हो, समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर नेतृत्व देना हो, किसी जन आंदोलन की अगुवाई करना हो या फिर किसी रूढ़िवाद और किसी पाखंड के खिलाफ आवाज बुलंद करके किसी सामाजिक बुराई को हमेशा के लिए दफन करना हो, अधिवक्ता समुदाय ने सदैव अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज भी यह समाज आपसे अपेक्षा रखता है त्वरित न्याय उपलब्ध हो, इसमें आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। उस त्वरित न्याय के साथ साथ न्याय सस्ता भी हो, इसमें आपकी भूमिका बड़ी हो सकती है। और यही नहीं, तमाम ऐसे लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, जिन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके हम सब आम जन को जागरूक करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मुझे याद है जब हम लोग यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ आंदोलन करते थे तो गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने भरपूर मदद करके इस आंदोलन में सहभागी बनकर के मेरे साथ पदयात्राओं में भागीदारी बने हैं। मेडिकल कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक इस पूरे अभियान का हिस्सा वे लोग बने और उन आंदोलनों का परिणाम है कि आज जब हम इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ किसी प्रभावी लड़ाई को अंतिम चरण में लड़ रहे हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसमें आप सबकी भी भूमिका है, आप सबको भी इसका श्रेय जाता है जो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से मुक्ति की ओर जा रहा है। पूरी तरह मुक्त होने में एक आध वर्ष और लगेंगे, लेकिन हम आपको कह सकते हैं इंसेफ्लाइटिस को सदैव के लिए हम समाप्त करके दम लेंगे और मुझे लगता है कि आज उस स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। याद करिए 1997-98 का दौर जब गोरखपुर के बयाड़ी मेडिकल कॉलेज में एक सीमित वार्ड में इंसेफ्लाइटिस के मरीज भर्ती होते थे,
वहां ना टॉयलेट था, वहां ना पंखे चलते थे, बदबू थी, ना डॉक्टर थे, ना पैरामेडिकल का स्टाफ था, ना दवा मिलती थी, अव्यवस्था थी, अराजकता की स्थिति थी। आंदोलन का परिणाम हुआ, वार्ड बने, दवाइयां मिलनी प्रारंभ हुई, पंखे लगे और आज आप देख सकते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जितने वार्ड है वो एसी है, हर वार्ड के साथ हर बेड के साथ वेंटिलेटर लगा हुआ है। मरीज जितने मरीज जितने भी पेशेंट हैं उनके अटेंडेंट के लिए रेन बसेरा बन चुका है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 108 बेड के एक अच्छे रेन बसेरा का उद्घाटन किया था, जिसको मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जब मैं सांसद था तब स्वीकृत करवाया था, उसका लोकार्पण अभी विगत महीने ही हम लोगों ने उसका लोकार्पण भी किया है। आज वहां पर हर प्रकार की सुविधा है, आज वैक्सीनेशन हो रहा है और यही नहीं, जहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना का शिलान्यास होकर के कार्य प्रारंभ हो रहा है, आठ नई सुपर स्पेशलिटी अगले महीने ही हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में देने जा रहे हैं, वहीं हम सबकी चिर प्रतीक्षित जो मांग थी गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो, एम्स का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, अगले वर्ष से हम लोग उसकी ओपीडी प्रारंभ करेंगे और फिर प्रयास है कि 2020 में हम लोग एम्स में 100 बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था करवा करके एडमिशन की व्यवस्था भी हम एम्स के माध्यम से करना प्रारंभ कर देंगे। यानी गोरखपुर भी अब ये कह सकता है कि हम एम्स सिटी हैं, गोरखपुर कह सकता है यहां पर भी अपना फर्टिलाइजर प्लांट है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। हम कह सकते हैं कि गोरखपुर में भी अच्छे अच्छे पर्यटन के केंद्र हैं, रामगढ़ ताल जैसी प्राकृतिक झील को सुंदरीकरण की दिशा में स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स की नई नई विधाओं को वहां देकर के नए सिरे से आगे बढ़ाया जा रहा है। गोरखपुर में भी यहाँ के सांस्कृतिक कर्मियों के लिए, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, यहाँ के संस्कृति कर्मियों के लिए, कलाकारों के लिए, गोरखपुर में विभिन्न विकास की योजनाओं को लेकर के, समसामयिक संगोष्ठियों को लेकर के अत्याधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण गोरखपुर में भी हो सकता है। उस कार्य को युद्ध गति से आगे बढ़ाते हुए आज गोरखपुर की कनेक्टिविटी को एक नई गति दी है। मुझे याद है जब गोरखपुर की वायु सेवा नहीं थी और मैंने उस समय भारत सरकार से अपील की कि गोरखपुर में वायु सेवा होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा साहब गोरखपुर का अध्ययन कराया, 6 पैसेंजर मात्र हैं। मैंने कहा ये मैं इससे सहमत नहीं हूं, गोरखपुर में बहुत पोटेंशियल है, वहां पर लोग मिलेंगे, यात्री हैं, आप लोग चलाना नहीं चाहते। हम लोगों ने सहारा एयरलाइंस उस समय शुरू करवाई थी। आज गोरखपुर को दिल्ली से जोड़ने के लिए 3 फ्लाइट हैं। आज गोरखपुर को बैंगलोर से जुड़ने के लिए स्पाइस जेट ने हम लोगों के साथ एमओयू किया है। आज गोरखपुर को कोलकाता, गोरखपुर के मुंबई, गोरखपुर को काठमांडू से जोड़ने की युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जब पहले एयरपोर्ट पे आप देखे जाइए क्या था, एक एस्बेस्टस सीट में एयरपोर्ट टर्मिनल था, आज हमारा अत्याधुनिक सिविल एयरपोर्ट का टर्मिनल बन चुका है, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बन चुका। अब हम भी कह सकते हैं कि गोरखपुर के पास अपना एक सिविल एयरपोर्ट का टर्मिनल है जो देश के विभिन्न महानगरों के साथ यहाँ के लोगों की दूरियों को कम कर रहा है। उनको ही हम लोगों ने मोहद्दीपुर से लेकर के गोरखनाथ मंदिर के सामने से होते हुए जंगल कोड़िया तक 312 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन के एक कार्य को नया स्वीकृत भारत सरकार से करवा करके इस कार्य को युद्ध स्तर पर करने जा रहे हैं। मोतीपुर से जो मार्ग एक गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाएगा, एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएगा, असुरन से लेकर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज होते हुए महाराजगंज तक 4 लेन की सड़क बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर से देवरिया का मार्ग एम्स के बगल से होते हुए हम इसको लेकर के जा रहे हैं। नंदा नगर क्रॉसिंग पर अंडर पास बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। विकास की उस हर योजना को गोरखपुर के अंदर लाने का कार्य किया जा रहा है। और मैं जब यहां पर बैठा था तो मैं वही चर्चा कर रहा था अपने जनपद न्यायाधीश जी से कि आखिर यहां पर उस समय कोर्ट का निर्माण हो रहा था, न्यायिक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इसमें कुछ रुकावटें थी, वो दूर
हो गई हैं, अब इस पे कार्य आगे बढ़े। हम लोगों ने इसको कहा कि निश्चित ही वो बनना चाहिए, एक समय सीमा के अंदर उस पर पूर्ण धनराशि देकर के इस कार्य को हम पूरा करें, इस पर हमारा पूरा प्रयास होगा। और लेकिन साथ साथ हमारा ये मानना है कि जहां कोर्ट के बनने आवश्यक हैं, न्यायिक अधिकारियों के बैठने के लिए अच्छे चैंबर आवश्यक हैं, वहीं अधिवक्ता समुदाय के लिए भी बैठने के लिए अच्छे व्यवस्था उनकी भी हो, इसके लिए सरकार भरपूर मदद करेगी। और मैं कहूंगा कि यहां पे जनता न्यायाधीश जी के साथ मिलकर के यहां के अधिवक्ता यहां पर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन एक पूर्ण प्रस्ताव बना करके लाए, सरकार इसमें भरपूर मदद करेगी। महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से प्रसादन की व्यवस्था हो या कॉमन रूम की व्यवस्था का हो, इसके लिए धनराशि प्रदेश सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। इसमें प्रदेश सरकार या फिर यहां अंतर की सड़कों के निर्माण का एक सिस्टमेटिक ढंग से प्लान बनाइए आप यहां का, जिसके अंतर्गत यहां पर आने वाले वादकारियों को भी आसानी हो, लोग आसानी से आ सकें, पार्किंग की व्यवस्था एक और व्यवस्थित रूप से दिया जा सके, किया जा सके। आवश्यकता पड़ती है तो अंडरग्राउंड पार्किंग दीजिए, आवश्यकता पड़ती मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था करवाइए, आवश्यकता पड़ती है तो अधिवक्ताओं के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए उचित प्रसादन की व्यवस्था होनी चाहिए। और जिस भी स्तर पर होगी, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अगर अन्य क्षेत्रों में कार्य हो रहा है तो यहां पर अधिवक्ता समुदाय के लिए भी उनकी जो आवश्यक जन सुविधाएं हैं, इस जन सुविधा को उपलब्ध कराने में सरकार कोई संकोच नहीं करेगी। और फिर गोरखपुर का सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन तो हमारा अपना एसोसिएशन है, इसलिए यहां पर इन सुविधाओं को देने में हमें बहुत आनंद की अनुभूति होगी। मैं इसमें भरपूर मदद देने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए ही आज यहां पर आया हूं कि आप इस अभियान को आगे बढ़ाइए। मकसूदन तिवारी जी जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है उन्हें आश्वस्त रहना चाहिए, वे हमारे आंदोलन में मदद करते थे, मैं उनके आंदोलन में मदद करता हूं। तिवारी जी ने बहुत बार आंदोलन किए हैं और उनके आंदोलन में एक बार का अधिवक्ता समुदाय अलग हो गया था तो मैं उनके साथ जुड़ा था, इसलिए कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़ करके गोरख, क्योंकि सबका उद्देश्य एक था, नास्ते अलग थे, आप अधिवक्ता है, हम लोग जनप्रतिनिधि थे, लेकिन लक्ष्य सबका एक था कि गोरखपुर का हित होना चाहिए। हम लोगों ने जो भी लड़ाई गोरखपुर के विकास को लेकर के लड़ी, उस लड़ाई में अधिवक्ता समुदाय खुल करके सामने आया, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खुल करके सामने आया, गोरखपुर के हित के लिए जहां भी जिस भी प्रकार के योगदान देने की आवश्यकता पड़ी, गोरखपुर के अधिवक्ता समुदाय ने और खासतौर पर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन ने कभी भी अपने आप को, या कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन ने या कलेक्ट्रेट कोर्ट बार एसोसिएशन ने कभी भी अपने को से अलग नहीं किया, ये सभी एकजुट होकर के इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे और उसका परिणाम रहा कि गोरखपुर की समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई दिया। आज बदलता हुआ गोरखपुर आपके सामने है भाइयों बहनों, जैसे गोरखपुर में आज विकास की एक नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, गोरखपुर को हर ओर से हम फोर लेन से जोड़ रहे हैं, गोरखपुर की अच्छी एयर कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं, गोरखपुर महानगर के अंदर आपने देखा होगा एक साथ हम पूरे महानगर को नहीं ले सकते क्योंकि आवागमन में बाधित बाधा पैदा होगी। मैंने दो सड़कों का तो आपको बता ही दिया कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से लेकर के हम लोग इस पूरे मार्ग को लेकर के चाह रहे हैं, एक गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया तक, क्योंकि जंगल कौड़िया से नेपाल तक हम लोग फोर लेन की कनेक्टिविटी का कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंचा रहे हैं और वहां से हम एक मार्ग जंगल कौड़िया से कालेसर तक सहजनवा के पास फोर लेन में मिलाने का कार्य एक बाईपास वहां पे बना रहे हैं, एक मंदिर के सामने गोरखपुर सिटी के अंदर एक मार्ग लिया, दूसरा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से लेकर के आपका असुरन होते हुए ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज होते हुए चुंगिया होते हुए महाराजगंज तक का मार्ग, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का ये कार्य आगे देवरिया और बलिया तक पहुंचेगा। इसी प्रकार से सहजनवा से पहले आप बाईपास से जाते थे फोर लेन मिलता था, आज जब आएंगे कालेसर से लेकर के अंदर अंदर आप आएंगे
तो भी आपको फोर लेन मिलेगा, और ये फोर लेन आपको सीधे सीधे अंदर अंदर उसमें होते हुए फिर कोनी और जगदीशपुर तक भी जोड़ने का कार्य करेगा। गोरखपुर को नौसल होते हुए बागागाड़ा होते हुए वाराणसी तक फोर लेन का कार्य बस्तर पर चल रहा है। साथ ही साथ हावड़ तटबंध को अगर आप देखेंगे, हम लोग इसको हावड़ तटबंध की को चौड़ाकरण करके गोरखपुर महानगर की सुरक्षा की व्यवस्था जहां सुदृढ़ करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने प्रशासन से कहा है कि गोरखपुर के राजघाट में अक्सर होता क्या है, बरसात के समय बड़ी दुर्दशा रहती है। मैंने कहा ऐसा प्लान बनाइए कि हावड़ बंधे से हम सीधे राजघाट में एक अच्छा घाट का निर्माण करें, जहां लोग हर सीजन में स्नान कर सके, पूजा कर सके, और उसी में दक्षिण की ओर शमशान घाट भी बना दो, जहां पर किसी को वहां पर किसी की मृत्यु होने पर ले गए तो वहां पर एक अच्छी सुविधा लोगों को उपलब्ध हो सके। हावड़ बंधे के चौड़ीकरण के साथ साथ महानगर की सुरक्षा और गोरखपुर महानगर के अंदर जो नहीं आना चाहता, बाहर बाहर ही नेपाल की तरफ निकलना चाहता है, उसको हम सीधे जंगल कोड़िया कालेसर मार्ग तक उस पूरे मार्ग को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अनेक योजनाओं को गोरखपुर के अंदर लिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे गोलघर के अंदर जितने भी हमारे चौराहे हैं, इन सभी चौराहों का सुंदरीकरण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। सिटी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे मार्ग होने चाहिए, गोलघर उसकी एक प्रतिकृति दिखेगी, और उस तर्ज पर गोरखपुर महानगर की प्रत्येक मार्ग का निर्माण हो, उसी प्रकार से लोगों का आवागमन सुगम हो, सरल हो और आसान हो, इस दृष्टि उसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गोरखपुर दिखाई दे और गोरखपुर को लगे, दुनिया को लगे कि गोरखपुर वास्तव में विकास और बदलाव की इस नई बहार के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन गोरखपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्य हो रहा है। बिजली केवल गोरखपुर को नहीं मिल रही है, डेढ़ वर्ष पहले जरूर था कि प्रदेश के केवल 5 जनपद को बिजली मिलती थी, आज प्रदेश के 75 जिलों को बिजली मिल रही है। और बिजली देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि बिजली से सबसे ज्यादा पीड़ित मैं रहता था, मैं आंदोलन भी करता था आपके साथ, और मेरी मजबूरी थी कि गोरखनाथ मंदिर में बिजली बनी रहे। बिजली नहीं थी तो जनरेटर चलाना पड़ता था, महीने में 5 लाख रुपए केवल डीजल का हमें देना पड़ता था कि जिससे बिजली लोगों को उपलब्ध हो सके। लेकिन आज बिजली है, हर प्रकार की बिजली जा रही है, लोकल रोस्टर लोकल थर्ड को छोड़ दिया जाए तो अनवरत बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। और इस क्रम में डेढ़ वर्ष में हम लोगों ने 72,000 मजरों में बिजली उपलब्ध कराई। 56 लाख ऐसे परिवार थे जिनके पास आजादी के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं था, उनको निशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य किया। देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की जब शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी, तब देश के अंदर 4.25 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना विद्युत कनेक्शन नहीं था, उनमें से 2.25 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश के थे। और आज मैं कह सकता हूं 31 दिसंबर तक हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी ऐसे परिवार को नहीं छोड़ेंगे जिसके पास विद्युत कनेक्शन अपना न हो, सबको निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देंगे, वहां तक हम विद्युत की लाइन पहुंचाने का कार्य करेंगे। वर्ष में देखा होगा एक भी किसान की शीत लहरी में मौत इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हम बिजली उसको 18 घंटे उपलब्ध करा रहे थे। देश के अंदर जो राज्य अपने को विकसित राज्य कहते हैं, वे अपने किसानों को 6 से 8 घंटे बिजली नहीं दे पाते, और हम 18 घंटे 16 से 18 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश के किसानों को दे रहे हैं। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, और इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश में आप सबकी बड़ी भूमिका हो सकती है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी को पर्यावरण संरक्षण के लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ का एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देश और दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी नेतृत्व दिया बहुत सारे क्षेत्रों में, आपने देखा होगा। अभी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सैनिटेशन में मैं दिल्ली में गया था, दुनिया के कई देशों के लोग आए थे, और दुनिया आश्चर्य कर रही थी कि भारत ने जो इसमें प्रगति की है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वर्ल्ड बैंक रहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूएनओ है, और दुनिया के तमाम देश उनके अपने अपने सर्वे हैं, अपनी अपनी टीम है, वे लोग कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने जो सर्वे और उसके बाद आंकड़े दिए, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया।
का इतना चमत्कारी प्रभाव आज स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर एक जन आंदोलन बन गया है, जन आंदोलन जिसमें आम जन की भागीदारी, और चूंकि उत्तर प्रदेश ने इसमें सबसे अधिक छलांग लगाई है और इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में मुझे वहां जाने का, उसमें उस कन्वेंशन में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था। अब देखेंगे कितना, जब हम लोग मैं मुख्यमंत्री बना, 1,47,00,000 परिवार ऐसे थे बेसलाइन सर्वे के अनुरूप जिनके पास अपने शौचालय नहीं थे। लोग बोलते थे कब तक हो पाएगा, लोग सोचते थे 2025 का टारगेट मैं तय करूंगा। मैंने कहा नहीं भाई, 2025 नहीं, हम टारगेट तय करेंगे एक सीमा के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने गांधी जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम की घोषणा की, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम 2018 की गांधी जयंती के कार्यक्रम में प्रदेश को ओडीएफ करें। लेकिन फिर भी जो बचेगा बेस लाइन सर्वे के बाद ही बचेगा, इसके तहत हम लोग अब तक 2 अक्टूबर 2018 को हम लोगों ने 1,47,00,000 में से 1,46,00,000 शौचालयों का निर्माण कार्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रदेश के अंदर किया। और यही नहीं, जो 1,00,000 बाकी है उसको तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने यह भी तय किया है कि बेसलाइन सर्वे के बाद छूटे हुए लोगों के लिए भी हम शौचालय वृहद स्तर पर बना करके प्रयास होना चाहिए 30 नवंबर तक सभी शौचालय बन जाएं और 30 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के अभियान में उत्तर प्रदेश देश के अंदर चैंपियन बने। इस अभियान में आपकी भूमिका, क्योंकि स्वच्छता का परिणाम कितना अच्छा होता है, आप में से बहुत जो अधिवक्तागण मेरे साथ इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ लड़ाई में सड़कों पर उतरे हैं, वे अगर इन आंकड़ों को देखेंगे वे स्वयं ताज्जुब करेंगे। 2016 में अगस्त महीने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस के 500 से अधिक मरीज भर्ती होते हैं, 100 से अधिक मौतें होती हैं, और 2018 में स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम 80 मरीज भर्ती होते हैं और मात्र 6 की मौत होती है। ये मौत के आंकड़े 0 तक कैसे जाएं? यही एक अभियान, यही एक कार्य योजना, उसी को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। के बारे में उसको बताएंगे वह सही दिशा की तरफ चल पड़ेगा, और एक बार उसने सही दिशा तय की, न केवल इंसेफ्लाइटिस, अब तो हम डेंगू को समाप्त कर सकते हैं, मलेरिया को, कालाजार को, डायरिया को, ये जितने भी बीमारियां हैं इन सबको हम हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। प्रभुत्व समाज की जिम्मेदारी होती है, एक नैतिक दायित्व होता है कि शासन की जो फ्लैगशिप स्कीम है उनको वह जनता तक पहुंचाने में मदद करे। न्याय देने के साथ साथ हम शासन की जानकारियां भी अगर उनको दे सकें, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हो सकता है। अक्सर होता क्या है, जब जनता जागरूक नहीं होती, उसको शासन की योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, तो कोई मिडल मैन आकर के उसमें डकैती डालता है। इस मिडिल मैन के कॉन्सेप्ट को हटा करके, उसको सीधे जागरूक करके, अगर हम शासन की योजनाओं के साथ जोड़ सकते हैं, समाज का बहुत बड़ा हित हो सकता है। आज जो स्थिति समाप्त हुई, जब हम लाचार की दिखाएं कि 100 रुपया भेजते हैं 10 ही पहुंचता है, ऐसा नहीं होगा। 100 रुपया भेजते हैं तो 100 ही पहुंचेगा, 100 का बीच में 90 कोई बीच में डकैती डालने का तो साहस नहीं कर सकता, और करेगा तो खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहेगा। और इसलिए आप सबका मैं आह्वान करूंगा, एक बड़ा कार्य आपके स्तर पर होना चाहिए, और ये जागरूकता का ये बृहद अभियान बहुत बड़ी मदद कर सकता है, बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। इसलिए हम आज के इस अवसर पर आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैंने यहाँ पर पहले ही कहा है, यहाँ सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन और उसके आसपास के परिसर के विकास के कार्य जो यहाँ पर संपन्न होने हैं उसमें सरकार भरपूर मदद करेगी। मैं धन्यवाद दूंगा राजेंद्र प्रसाद गुप्त जी के पुत्र को, जिन्होंने सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में बहुत बड़ा योगदान दिया। अपने पिता की पूरी एक विरासत उन्होंने इस लाइब्रेरी को दान कर दी है, और ये दान वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, एक बड़ी विरासत यहाँ को मिला है। आपके बहुत जो सीनियर अधिवक्ता थे, उन्होंने जो कुछ यहाँ जाना, जो सीखा, और जो यहाँ के लोगों को न्याय प्रदान करने में अपना योगदान दिया,
उसकी पूरी विरासत उन्होंने सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन को उपलब्ध करवा दी। सचमुच अभिनंदन ये है। मैं श्री गुप्त जी को, आपके वरिष्ठ अधिवक्ता थे, विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। साथ ही यहाँ पर श्री रमाशंकर शुक्ल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आर्थिक मदद दे करके आपके यहाँ विकास के लिए कार्य किया। मुझे लगता है कि पैसा आपको इतना मिल रहा है कि आपको नए पैसे की आवश्यकता हिस्से में नहीं। मैं तो सोच रहा था कि दो चार और दानी इस प्रकार से आ जाएंगे तो मैं आपसे पैसा मांगने लग जाऊंगा। आप यहाँ निकले दे देंगे तो कुछ चौराहों का सुंदरीकरण का कार्य हो जाएगा। लेकिन अधिवक्ता कल्याण निधि, इस पर हमारा कार्य अंतिम चरण में चल रहा है और इसकी राशि को बढ़ाने की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत शीघ्र बहुत अच्छी खुशखबरी में गोरखपुर के अधिवक्ताओं को लखनऊ में बुला करके ही दूंगा। और दूसरा, हमारे जो युवा अधिवक्ता हैं जिनको कार्य के शुरुआती वर्षों में कोई नई पत्रिका खरीदनी हो, किताबें खरीदनी हो, इसके लिए उनके लिए सालाना जो धनराशि देने की व्यवस्था होनी है, इसके बारे में भी सरकार ने पूरी एक कार्य योजना बनाई है। हम लोग पहले ही अपने अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ का एक कॉर्पस फंड अलग से हम लोगों ने स्थापित किया है और इस दिशा में और भी जितने भी प्रयास होंगे मुझे लगता है वह उसमें और अच्छा किए जाने की आवश्यकता है। मैं एक बार पुनः सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के इस नव निर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि अधिवक्ताओं के हितों के साथ, अधिवक्ताओं के सहयोग के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ आपको साथ लेकर के विकास के पथ पर हम अग्रसर होंगे, प्रदेश का विकास भी कराएंगे और विकास में अपने अधिवक्ता समुदाय को भी सहभागी बनाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। ये हमारा सौभाग्य है और तथा इस गोरखपुर बार एसोसिएशन की तरफ से इन्हें धन्यवाद और इनका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायिका और कार्यपालिका के प्रमुख हैं तथा न्यायपालिका के रूप में मैं इस गोरखपुर जनपद का प्रमुख हूँ। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों आपके पास है इस समय। मैं भी यहीं से यहीं का रहने वाला, क्या यहीं का प्रोडक्ट रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए कि आप जो कुछ भी इस प्रांगण के लिए, इस बार एसोसिएशन के लिए जो भी आप करना चाहें उसमें मेरा तो सहयोग रहेगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए बहुत सी बातें कही हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए आगे प्रेरणा का काम करेंगे। मैं पुनः अपने न्यायिक अधिकारियों का, बार एसोसिएशन के सदस्यों का तथा प्रशासन से जुड़े समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों का तथा सिविल बार कोर्ट एसोसिएशन के समस्त कर्मचारियों का, मीडिया के कर्मियों का मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम समापन की ओर जाएगा। शुभ